प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड ऑफ बी एस सी सेकेंड ईयर और यू कैन से बी एस सी थर्ड सेम आज के ये हमारा सेवेंथ लेक्चर है इस यूनिट का और आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आपने पहले पढ़ रखा है कि जब दो लेंसेज कुछ दूरी पर रखे हैं और उनकी दोनों की फोकल लेंथ दी हुई हो तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी लेकिन इसको हम ड्राइव करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड है सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तो इसके लिए वही बात है सपोज देर आर लेंसेस। यानी साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहिए एक ये लेंस है जिसको हम L1 कह रहे हैं एक ये दूसरा लेंस है ये L2 है ये कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकते हैं और कॉनकेव लेंस भी हो सकते हैं कंसिडर दीज टू लेंसेस and this is the uh, principal axis and they are placed coaxially with each other at distance d d is the distance between these two lenses you can see here आप यहां एक पॉइंट यही लिखेंगे कंसीडर देखिए टू लेंसिस L1 एंड एल टू इसको नाम हमने L1 दिया है इसको हमने एल टू दिया है R प्लेस्ड कोएक्शली एट डिस्टेंस डी अपार्ट apart मतलब डी दूरी पर को एक्शली ये दो लेंसेज रखे हुए हैं एज सोन इन figure आप ऐसा लिख सकते हैं दिस इज दी ऑब्जेक्ट इज दी ऑब्जेक्ट और ये देखिए ये लाइट रे यहां गई ये इंसिडेंट रे है इस L1 पर यहां पर रिफ्रैक्शन होगा और ये देखिए L1 से L2 तक ट्रांसलेशन हो रहा है और L2 पर एक बार फिर से रिफ्रैक्शन हुआ है और यहां पर ये इमेज बन गई है इमेज आप यही कहेंगे कि एट L1 There is a refraction takes place. क्या हो रहा है Takes place. Light का refraction हुआ From L1 to L2 there is translation. यही बात मैं यहां लिख रहा हूं कि from ये लिखते जाइए जो कुछ आप देख रहे हैं उसी को लिखना है फ्रोम एलवन टू एल टू देर इज ट्रांसलिशन टेक्स प्लेस और एक और पॉइंट मैं यहां बता रहा हूं यहां पर एल टू पर आकर क्या हो रहा है यहां अगेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट एल टू देर इज ए रिफ्लेक्शन अगेन अब जब तो ये पूरा सिस्टम आप समझ में कि यहाँ पर ट्रांसलेशन है यहाँ पर रिफ्रैक्शन है L2 पर भी रिफ्रैक्शन है तो इसकी सिस्टम मैट्रिक्स क्या बन जाएगी सिस्टम मैट्रिक्स के बारे में मैंने लेक्चर नंबर टू में अच्छे तरीके से आपको बता रखा है यानी कि देर फोर दी सिस्टम मैट्रिक्स सिस्टम मैट्रिक्स बिकम्स वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो होगी S इज इक्वल टू हम रिवर्स में चलते हैं आर ये देखिए यहाँ पर जो बात करेंगे आप उनकी आप इस तरी से लिख सकते हैं आर वन टी और आर टू ये हमारी सिस्टमेट्रिक्स बन जाएगी अब ये हम पहले से जानते हैं इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए कैसे देखिए आर टू के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे सिस्टमेट्रिक्स हमारी क्या बन गई है यहाँ पर R2 R2 टू इजिकल टू, टू न, वन माइनस पी टू और जीरो और वन और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे वन जीरो और डी और वन और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेक्शन है वन माइनस पी वन जीरो और वन ये हमारी सिस्टम मैट्रिक्स है एस इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखते हैं क्या आता है और इसको लम से तो देखिए कैसे लिखेंगे वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वन आ गया है और इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस डी पी टू डी पी टू देखो इसको इससे और इसको इससे अब हम इसकी बात कर ले इनको करेंगे तो जीरो और जब इसको करेंगे तो डी ये यह, यहां पर जीरो तो ये डी हो गया अब बात कर लेते हैं, इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो गया और जब इसको करेंगे माइनस पी टू तो आप इसको यहाँ माइनस पी टू ही डायरेक्ट लिख देते हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये तो हो गया है अब यहाँ से देखिए इसको इससे जीरो और ये करेंगे तो वन यानी कि कुल मिला के आप देखिए ये फिर हो गया है वन माइनस पी वन जीरो और वन इस तरीके इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यही रो ये को लो और हम इसको इस तरह से लिखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस डी पी टू और इसको इससे करेंगे तो जीरो हो जाएगा चलिए ठीक है अब हम इस पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है ये देखिए ये आ जाएगा माइनस पी वन माइनस पी वन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी P1, P2, ये तो ये हो गया अब इसको इससे करेंगे और हो जाएगा माइनस P2, ये रो ये कॉलम अब बात करते हैं इसकी इस रो इस कॉलम से करते हैं तो ये तो D हो गया है इसके साथ करेंगे तो जीरो यानी ये रो और ये कॉलम अब इससे करेंगे तो ये देखिए D माइनस डी पी वन और प्लस वन यानी कि हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स ये आ गई है लेकिन इस सिस्टमैट्रिक्स को हम यूनिट इक्वेशन वन दे देते हैं या मैट्रिक्स वन कह देते हैं बट वी नो आप जानते हैं सिस्टमैट्रिक्स क्या होती है ए, ए, एक एलिमेंट्स के रूप में हम लोग लिखते रहे हैं बी माइनस ए माइनस डी और सी अब ये भी सिस्टमैट्रिक्स है और ये एक जर्नल सिस्टमैट्रिक्स है दीज आर ए बी सी डी एक्सेट्रा दीज आर दी एलिमेंट्स कंपेरिजन so, करते हैं अब हम इनको बाय कंपेयरिंग करने से हमें ये जो एलिमेंट्स हैं सिस्टमेट्रिक्स के जो यहां रिफ्रेक्शन और ट्रांसलेशन हुआ था वो पता चल जाएगा आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, राइट। इज़ इक्वल टू ए क्या होगी ये देखिए ए ये क्योंकि माइनस साइन है तो यहां माइनस साइन लगा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पी वन ये देखिए माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो गया है पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू ये तो ये हो गया अब बी देखिए प्यारे बच्चों बी ये है बी तो सेम टू सेम है कोई साइन की जरूरत ही नहीं है यहाँ बदलने की इसलिए हम लिखेंगे वन माइनस डी पी टू ये डी हो गया है बी की अब सी देख लीजिए सी में भी हम देखते हैं कोई साइन की जरूरत नहीं है तो सच आ जाएगा यानी कि वन माइनस डी पी वन अब देख लेते हैं डी ये डी है और d को अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो ये माइनस डी हो गया है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टोटल कंपेरिज़न के हमने ये एलिमेंट्स निकाल लिए हैं लेकिन एक बात हमने आपको और बताई थी कि जो फोकल लेंथ होती है जैसे सपोज़ कीजिए इसकी फोकल लेंथ एफ़ वन है और इस लेंस की फोकल लेंथ एफ़ टू है सपोज की वो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि लेट एफ़ वन एंड एफ़ टू आर दी फोकल लेंथ इंडिविजुअल फोकल लेंथ है लेंस एलवन और एल टू की रेस्पेक्टिवली यानी कि आर दी फोकल लेंथ ऑफ लेंस एलवन एंड एल टू रेस्पेक्टिवली और यह भी हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो रेसी प्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होती है यानी कि पी टू की जो हो, फोक ये है वन बाई एफ टू यहाँ तक हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं अब इन दोनों लेंसेज को डी डिस्टेंस पर रखने के बाद जो कम्बाइंड फोकल लेंथ है वो मान लेते हैं एफ है तो वो हम कैसे निकालेंगे यानी कि वन बाई जो एफ है दैट इज इक्वल टू ए वेयर एफ क्या है एफ इज दी कम्बाइंड फोकल लेंथ और यू कैन से फोकल लेंथ ऑफ द कंबिनेशन ऑफ दीज टू वेन दीज टू लेंसेज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट तो दिस एन बट वी नो दैट व्हाट इज ए हियर ए हमें पता है तो पुट दिस वैल्यू ऑफ वन बाई एफ इज इक्वल टू ए यानी कि पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन और पी टू लेकिन पी वन और पी टू की वैल्यूज हम पहले से ही जानते हैं तो वो है वन बाई एफ वन पी टू किसके बराबर है प्लस वन बाई एफ टू माइनस डी बाई पी वन के स्थान पर फिर वही एफ वन एंड एफ टू प्यारे बच्चों यही तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जर्नल फार्मूला था जो हमने डिराइव किया था पहले भी कर चुके हैं इसको अलग अलग तरीके से लेकिन यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मेथड की सहायता से डिराइव करना था अच्छा ये तो बात हुई कि जब ये डी डिस्टेंस पर रखे हैं सपोज कीजिए दोनों ही लेंस एक दूसरे के क्लोज रखे हैं इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर तब क्या लिखेंगे यानी कि जो मैं अब यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ इफ़ दिज टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर लाइक दिस अगर ये इस तरीके से रखे हुए हैं तो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी जबकि इंडिविजुअल फोकल लेंथ इनकी एफ एन एफ टू है उस केस में क्योंकि ये जो डिस्टेंस है डी ज़ीरो हो जाएगी इस केस में डी कितनी हो जाएगी जीरो बिकॉज दीज टू स्ड इन कॉन्टैक्ट ऑफ इच अदर एंड सो दिस रिलेशन देन बिकम्स वन वाई एफ इज इक्वल टू वन वाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू और इस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों आपने देखा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि डिराइव डी फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज वेन दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अ पार्ट यूजिंग मैट्रिक्स मैथड और यू कैन से यूजिंग द रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स तो ये देखिए यहाँ तक आप ड्राइव करेंगे एंड इफ दीज टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ इच दैन द फाइनल रिजल्ट विल भी दिस तो ये आर्टिकल प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा अब हम नेक्स्ट जो हमारा कमिंग लेक्चर रहेंगे वो डिफ़ेक्ट्स ऑफ लेंसेज़ के बारे में होंगे कि लेंसेज़ के डिफेक्ट्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं मैं आपको पहले थ्योरी समझा रहा हूँ और उसके बाद जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इनके साथ साथ बीच बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे और बस आपको तो इतना है कि अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें जिस तरह से रेगुलर रूप से आप अपनी क्लास में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं ठीक वैसे ही डेली आप चैनल को जरूर चेक कर लें और उसके लिए ज़रूरी है कि इसे सब्सक्राइब कर रखें और शेयर भी करें अच्छे अच्छे आपके जो साथी हैं फ्रेंड सर्कल्स हैं उनसे भी कहें कि वो भी इसका लाभ उठाएँ क्योंकि विद्या एक कहती है कि जितना हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो उतनी ही बढ़ती है और बेल वेलाइकॉन दबाए रखें जो भी सुझाव है वो भी जरूर रखें लेकिन अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आपको डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है एब्रियेशंस ऑफ लेंस या डिफेक्ट्स ऑफ लेंस इन से संबंधित थैंक यू वेरी मच